न्यू आईपी डिस्प्ले में कैसे हम प्रोग्रामिंग करते हैं। सबसे पहले हमें इसमें लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए अपने कंप्यूटर को आईपी डिस्प्ले के नेटवर्क से जोड़ना होगा। तो अपने लैपटॉप को हमने कैट 6 केबल से जोड़ दिया है और आईपी डिस्प्ले के एमएससी कार्ड पे एमजीएमटी पोर्ट से जोड़ा है, मैनेजमेंट पोर्ट, जिसकी आईपी होती है 192.168.0.1। हम अपने कंप्यूटर के आईपी डालेंगे 192.168.0.2। ये देखिए हमने यहाँ से डाल दिया आईपी, हमने यहाँ से आईपी डाला हुआ है 192.168.0.2। हमने कनेक्शन कर लिया और पिंग करके देख लेते हैं 192.168.0.1। ये पिंग भी हो रहा है, अब इसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए हमारा है 192.168.0.1। इसकी आईडी है एडमिन, पासवर्ड है 1234। यहाँ पे हम लोग लॉगिन कर लिए। दो एमएससी कार्ड है, एक एमएससी कार्ड को मैंने बाहर कर दिया है। तीन कार्ड है, लाइन कार्ड जो कि 72 पोर्ट का है और एक एमएससी कार्ड एक्टिव है। तीन एक्टिव कंडीशन में है। हमें इसमें से पूरा कंप्लीट प्रोग्रामिंग क्या करना है, जिससे मिनिमम प्रोग्रामिंग जिससे हमें नेट करना है। तो हमें इसमें इनपुट करना है। इनपुट कहाँ से करेंगे? वीलैन में जाएंगे और वीलैन इसे हमें देखिए एमएससी कार्ड का ये जो पोर्ट दिखा रहा है, एमएससी कार्ड का ही पोर्ट है। यहाँ से मैंने एक बनाया है, मान लीजिए और एक बनाना चाहते हैं तो जो बनाया है, इसको बनाते समय हमें नाम देना है। टेस्ट मान लीजिए दे देते हैं टेस्ट टीम, और विलन वन का मेंबर बनाना है और किस पोर्ट को बनाना है। सपोज के लिए एक को नहीं बनाते हैं, दो को भी नहीं बनाते हैं, तीन को भी नहीं बनाते हैं। विलन वन की जगह विलन हम कोई और भी दे सकते हैं। विलन पहले से मैं बना रखता हूँ, इसलिए विलन मैं 100 दे देता हूँ, विलन 500 दे देता हूँ। विलन 500 को लिए फिक्स करता हूँ अनटाइप पोर्ट, क्योंकि मैं जो चलाऊंगा इसको मॉडम के थ्रू चलाऊंगा। एक हमारे पास डीएसएल मॉडम है, इसमें एक लाइन पोर्ट है, एक बैंड पोर्ट है, इथरनेट इनपुट इथरनेट आउटपुट है। लाइन में मैं एक रेलनेट दे देता हूँ जिससे एक ही आईपी चाहिए, और ये न्यू आईपी नेट करके आपको बना कर दे देगा 192.168.10.1। वो भी मैं बना रखता हूँ, यहाँ से आप देख सकते हैं 192.168.10.1 ये बना हुआ। इसका पासवर्ड भी एडमिन है। यहाँ पे देखिए आपको इनपुट पोर्ट पे एक आईपी मिला हुआ है, स्टेटस में आप देख सकते हैं 10.11.36। और लाइन पोर्ट की आईपी मैंने जो दिया है लाइन सेटिंग जो होता है, ये जो आप करेंगे यहाँ चेंज कर सकते हैं। 192.168.10.1 मैंने कर दिया। तो ये हमारा मॉडर्न की प्रोग्रामिंग बस इतना ही था। और बाकी आईपी डिस्प्ले के अंदर ये 500 विलन का एक नंबर बना रहा हूँ, 4 नंबर पोर्ट को। जैसे यहाँ देखिए क्रॉस है और ये कोई नाम नहीं है, लेकिन जैसे इसको अप्लाई करेंगे एक नया आ जाएगा, ये आ गया टेस्ट नाम से 500 एक नंबर है, 4 नंबर पोर्ट। और आप देख रहे हैं डीएसएल नाम से जो बनाया था, जो एक नंबर विलन है उसका नाम, और इसमें 2 नंबर 3 नंबर एंटायर पोर्ट है। एक नंबर पोर्ट को मैं ट्रंक पोर्ट बनाया था 200 विलन का। तो इस तरह से एक ट्रंक पोर्ट है, 2 अनटैग पोर्ट है और ये टैग पोर्ट है, अनटैग पोर्ट है टेस्ट का। अब ये हमारा यहाँ से प्रोग्रामिंग, हमने बैंड को प्रोग्रामिंग कर दिया जहाँ पे हम इंटरनेट डालते हैं। अब किसी पोर्ट को हमें ये 500 विलन देना है। पोर्ट विलन में आइए तो आप देखेंगे 3 नंबर कार्ड का इशारे में वो विलन 1 का मेंबर है। अभी मैं इथरनेट भी नहीं दिया हूँ 4 नंबर पोर्ट को। तो चलिए अब यहाँ से पोर्ट पे विलन कैसे देते हैं, तो पोर्ट पे आते हैं। पहले पोर्ट पीवीसी, ये दूसरी प्रोग्रामिंग है, पोर्ट और पीवीसी। उधर विलन बना दिया, इधर जो हम लोग यूजर का पोर्ट है उसकी प्रोग्रामिंग, पोर्ट और पीवीसी में आएंगे। यहाँ से कार्ड सिलेक्ट करेंगे, इसमें क्या प्रोग्रामिंग है आप देख सकते हैं। 3 का 1 में क्या है, VPI 0, VPI 33, यही यही
ऑथेंटिकेशन हमें मॉडर्न प्रोग्रामिंग किसमें देना होता है, और VID 1 है, ये सारा बस इतना ही करना है, ये देना और ये देना PVID, ये क्योंकि इनपुट मैं 3 नंबर पोर्ट के थ्रू कर रहा हूँ, इसलिए VID 1। अब टेस्टिंग के तौर पे हम ये VID 1 से कोई मॉडर्न हमने लगाया है, वो कन्फिगर है, वो चल रहा है, उसको यहाँ देख सकते हैं। स्टैटिक्स में आ जाइए, पोर्ट स्टैटिक्स में आ जाइए, 3 नंबर कार्ड को सिलेक्ट करिए, 2 नंबर पोर्ट में हमने मॉडर्न लगाया, 2 नंबर पोर्ट एक्टिव होगा। ये देखिए 2 नंबर पोर्ट, 3 नंबर कार्ड का 2 नंबर पोर्ट अप है, इसमें 950 kbps अपलोड और 21.9 mbps डाउनलोड अभी मिल रहा है। अब मैं ये करता हूँ कि मैं इनपुट में जो इंटरनेट दे रहे थे एमएससी कार्ड में 3 नंबर पोर्ट पे, अब 4 नंबर पोर्ट में देंगे, तो उसके लिए पहले हमें एक पोर्ट बनाना है। PVC में आइए, पोर्ट करके मैं 5 नंबर को 1 नंबर बनाता हूँ, 5 नंबर पोर्ट का एक, यहाँ पे 200 है, इसको 500 कर देना है, 500 करके यहाँ ऑटो है, ऑटो नहीं रखते हैं, 11 से रखते हैं, और इसको अप्लाई कर दें। अब यहाँ से विलन आइए, एक कोड आपको यहाँ पे दिख जाएगा, 5 नंबर कार्ड का एक कोड, 5 नंबर कार्ड का एक कोड, 500 विलन मिल गया। जैसे 500 विलन आप डालेंगे इनपुट में, 500 विलन मॉडम को मिल जाएगा, मॉडम भी सिंक हो जाएगा। अभी देखते हैं, ये 5 को खोला, 5 का एक नंबर पोर्ट अभी सिंक नहीं है। अब मैं इनपुट बदलता हूँ और मॉडम को भी बदलता हूँ, ये हम मॉडम लगा दिए हैं, अब देखते हैं इसको सिंक हो जाना चाहिए और यहाँ पे स्पीड आ जाना चाहिए। जो 3 नंबर में था वो डाउन हो गया होगा, ये डाउन हो चुका है पहले जो आपका, अब ये अप होना चाहिए, लिंकअप हो गया है। देखते हैं उसको कोई आईपी मिला है कि नहीं मिला है, यहाँ से जाकर आप DHCP में जाकर देख सकते हैं कि हमने जो मॉडम लगाए हैं तो कोई IP मिला है कि नहीं मिला है। IP यहाँ पे नहीं मिला है।